पूरे देश में मुस्लिम भाईचारे का त्यौहार ईद-उल-अज़हा बकरा ईद बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। जिला चंबा में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह त्यौहार कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए सादगी से मनाया। जामा मस्जिद चंबा के इमाम शरीफ आलम ने बताया कि ईद-उल-अज़हा का त्यौहार बड़े ही सादे ढंग से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से चौगान नंबर 5 में ईद की नमाज अदा नहीं कर पाए, इसलिए सीमित लोगों के साथ ही मस्जिद में नमाज अदा की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लोगों को कोविड नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए। आज ईद-उल-अज़हा यह जामा मस्जिद ज़िला चंबा में कोविड 19 के गाइडलाइंस और सरकार की हिदायत के मुताबिक नमाज ईद-उल-अज़हा अदा की जा रही है। इसको कुर्बानी की भी ईद कहते हैं और यह यहाँ मुख्तसर से वक्तों में 10-15 मिनट में ईद-उल-अज़हा की नमाज अदा की गई और सरकार के गाइडलाइन और हिदायत के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरियों के मुताबिक रहकर नमाज अदा की गई। पहले तो मैदान में चौगान में अदा करते थे, लेकिन अब जब यह महामारी है तो ये मुनासिब बात नहीं है कि वहाँ अदा की जाए, और इसी वजह से यहाँ मुख्तसर सी जमात करके जामा मस्जिद ज़िला चंबा में ईद की नमाज अदा की जा रही है। वहीं जामा मस्जिद के सदर इसरार अली शाह ने बताया कि कोविड नियमों का पालन करते हुए उन्होंने जामा मस्जिद चंबा में नमाज अदा की और अल्लाह ताला से यह दुआ की कि कोरोना महामारी से पूरे देश को निजात मिल जाए। आप सभी चंबा वासियों को और हिंदुस्तान के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज हमने बिल्कुल जो सरकार की गाइडलाइन से उसके तरीके से हमने ईद की नमाज़ अदा की है, और ज़्यादा लोगों से हमने ये अपील की है कि अपने घरों में ईद की नमाज़ पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और हमने भी यहाँ पे जामा मस्जिद चंबा में जितना हो सके उतनी सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करी है और सबने मास्क लगाए हैं और जो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना था वो मेंटेन करके हमने ईद की नमाज़ को अदा किया है। और हमने अल्लाह से ये दुआ करी है कि ये जो कोरोना महामारी हमारे भारत में फैली हुई है वो जल्दी से जल्दी इसकी मुक्ति हो और इसके हमें निजात मिले।